अंजलि के माता पिता के देहांत के बाद वो एक पालतू कुत्ता लेती है जिससे उसे बहुत लगाव हो जाता है। वो उसका नाम बिट्टू रखती है। कुछ महीनों बाद अंजलि की शादी एक अमीर घराने के लड़के संजू के साथ होती है। ड्रीमम वेकपम क्रिटिकल कंडीशनम अर्थम क्वेकपम हिल्डल सब शेकपम। ओ बिट्टू बिट्टू मेरा बच्चा, चलो अब आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ये लो आपके फेवरेट बिस्किट और दूध। अरे नालायक लड़की, तेरी अकल क्या कचरे के डिब्बे में फेंक आई है क्या तू? अरे किचन में दूध को नंगा छोड़ आई है तू। हाँ तो क्या दूध को शेरवानी पहनाऊं? खुला दूध छोड़ने पर उसमें कुछ गिरविट जाता तो? और ये क्या नौटंकी है, पूरे घर को अभी तक खाना पानी नहीं मिला लेकिन इस बेवकूफ लुखे कुत्ते को पहले मिल गया। माँ जी ये कुत्ता नहीं, ये मेरा बेटा बिट्टू है। अरे काहे का बेटा, हर जगह बाल फैले हुए हैं, देखो इसके। और नहीं तो क्या बहू, परेशान करके रख दिया है तुम्हारे इस भौकू चंद कुत्ते ने। देखिए मैं आप सबको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बिट्टू से तमीज से बात कीजिए, वो मेरा बेटा है। तेरे बिट्टू की तो ऐसे की तैसी, चुड़ैल कहीं की। अंजलि संजू से पैसे लेकर बिट्टू के लिए पूरे 50,000 के टॉयज और कपड़े ले आती है और ये जानकर कामिनी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। क्या 50,000 की शॉपिंग, वो भी इस निकम्मे कुत्ते के लिए? अरे बहू तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है, या एक चाटा लगाकर ठिकाने पर ले आऊं मैं? माँ जी मेरा बिट्टू एक अमीर परिवार का बेटा है तो इतना खर्चा तो करवाएगा ही, क्यों बच्चा? कामिनी अपना सर पकड़ लेती है। एक दिन जब घर पर मेहमान आते हैं तभी बिट्टू उन पर भूखता है और उनके सामान को तहस नहस कर देता है। अरे नहीं, अरे कामिनी तेरी बहू का कुत्ता तो एक नंबर का शैतान और बदमाश है, नालायक कहीं का। चल बहन हम तो चले। अरे लेकिन रुको तो। एक दिन जब सास एक फंक्शन में जाने के लिए रेडी होने जाती है तब वो देखती है कि कामिनी की महंगी साड़ी पर बिट्टू ने पोटी कर दी है। नहीं अब मैं क्या करूँगी, इस बदतमीज कुत्ते ने तो मेरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया। हाय राम, उठा ले मुझे भगवान। सॉरी माँ जी मैं साफ कर देती हूँ। कामिनी अब बिट्टू से तंग आ चुकी थी इसीलिए वो उसे एक रात चुपके से उठाती है और उसे दूर कहीं छोड़ कर आ जाती है। अगले दिन जब बिट्टू घर पर नहीं होता तभी अंजलि का जी घबरा जाता है और वो फौरन उसे ढूंढने चली जाती है। मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू कहाँ चला गया? तभी घर पर सिर्फ कामिनी, नरेश और संजू ही होते हैं और संजू को अपने बिजनेस राइवल से धमकी आती है। क्या पापा, शेखावत का वॉइस मैसेज था, उसने हमारे घर में चालाकी से बॉम्ब प्लांट करवाया है और हम चारों तरफ से लॉक्ड हैं। हे भगवान अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? कहाँ कहाँ प्लांट किया है उसने बॉम्ब? पता नहीं पापा, उसने हमारे घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक करवा दिए हैं ताकि हम बाहर भी ना जा पाएं। तभी उन तीनों को बॉम्ब की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बॉम्ब के पास पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड रहते ही बिट्टू ने बॉम्ब का वायर अपने दांत से काट दिया है और उसके कारण उनकी जान बच जाती है। ये देखकर उन तीनों की आंखें नम हो जाती हैं। उतने में वहां पर बहू बाहर का लॉक खोलकर घर के अंदर आ जाती है और सास को बिट्टू को गोदी में लेकर खेलते हुए देखती है। बिट्टू, आप तीनों बिट्टू के साथ खेल रहे हो, ये करिश्मा कैसे हुआ? संजू सारा माजरा अंजलि को बताता है।
जिस बिट्टू को हम इतना बुरा भला कह रहे थे, आज उसी ने हमारी जान बचाई। अब से ये हमारे घर का सदस्य है, मेरा पोता बिट्टू। मैं इसे बाहर छोड़ आई थी, लेकिन ये वफादार बच्चा फिर से अपने घर लौट ही आया और अपनों को बचा लिया इसने आज। और इस तरह अंत में सभी बिट्टू से खूब प्यार करने लगते हैं और उस बिजनेस राइवल को जेल की सजा मिलती है। ससुराल में पहले दिन बहू ने दिखाया अपना रूप। रंभा जी अपनी विधवा बड़ी बहू पायल, पति उमाकांत और छोटे बेटे मिहिर और बेटी नैना के साथ रहती हैं। उनके बड़े बेटे मनोज ने पायल से शादी की थी, जो कि बहुत अमीर होती है। रंभा जी अपनी बड़ी बहू की चमची थी, क्योंकि वो अमीर थी। माँ पापा, मुझे एक बहुत बड़ी जॉब का बुलावा आया है, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? टांगे तोड़ दूंगी तेरी, लुक्की कलमोही बढ़ियाई जॉब करने वाली, चल जा जल्दी से, हम सबके लिए चाय बना कर लेकर आ। सुना नहीं तुमने माँ जी ने क्या भौंका? वो मेरा मतलब है, क्या कहा? जाओ जाकर सबके लिए चाय बना कर लेकर आओ, वरना एक उल्टे हाथ का दूंगी। फिर एक दिन जब नैना घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ छोटे कपड़े पहनकर क्लब में पार्टी करने जाती है, तभी वापस आने के बाद उमाकांत और मिहिर उसे खूब मारते हैं। एक दिन जब घर में मिहिर अपनी गर्लफ्रेंड सोनम के साथ शादी करके आता है, तभी सबके सब चौंक जाते हैं। अरे देवर जी, ये आपने क्या कर दिया? सॉरी पायल भाभी, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अरे अपना लो ना पायल बहू, इसे भी हम लाइन पर ला देंगे। अरे ओ रंभा की बच्ची, ज्यादा सियानी मत बन, क्योंकि मैं तेरी इस अमीर बहू और तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। एक एक की छुट्टी करने आई हूँ मैं यहाँ पर। रंभा और पायल सोनम का ये बर्ताव देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल, चल जल्दी से उठक बैठक कर, वो भी 100 बार, वरना जिन पैरों को लेकर आई है उन्हीं को उल्टा घुमाकर दफा हो जा यहाँ से। अरे सोनम, ये भी कोई तमीज होती है क्या बड़ों से बात करने की? ज्यादा बनो मत, वरना सारा तेवर 1 मिनट में उतार दूंगा। तभी सोनम किसी को कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कल इस जायन का ससुराल में पहला दिन होगा, कल इसे सबक सिखाएंगे अच्छे से। लेकिन अगली सुबह सोनम उठती नहीं है, और जब रंभा और पायल उसे जगाने जाती है, तभी वो उन्हें सोते हुए लात मारकर वहाँ पर गिरा देती है। ओए माँ, ओए माँ। सोनम उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो लोग नैना को मार रहे हैं और उस पर अत्याचार कर रहे हैं। ये देखो मेरे पास ये वीडियो है, और अगर तुम में से किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो पुलिस को भेज दूंगी, और फिर जाना तुम चारों हवालात की हवा खाने। वो वीडियो देखकर मेहर, रंभा, पायल और उमाकांत बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हाँ हाँ प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। ठीक है, तो फिर नैना कल से जॉब पर जाएगी और तुम चारों अब मेरे नौकर बनोगे। चलो पापा जी सफाई करने में लग जाओ, सासू माँ और प्यारी जेठानी जी बढ़िया बढ़िया खाना पकाओ, और पतिदेव मेरे पैरों की मालिश करो तुम। इस तरह सोनम सबको 1 मिनट में अपनी उंगलियों पर नचवाती है, सभी उसका काम करने लगते हैं और नैना खुशी से जॉब ज्वाइन कर लेती है। सोनम सबसे दिन रात काम करवाती है और चारों बड़े परेशान हो जाते हैं। चलो अब मेरा मनोरंजन करो। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली छुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। पायल और रंभा के बुरे हाल हो जाते हैं। माँ जी, ये सारे हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। हाँ पायल बहू, अब से हम कभी नैना या किसी पर भी अत्याचार नहीं करेंगे और सबको एक समान ट्रीट करेंगे। तभी वहाँ पर सोनम आती है। चलो देर आए दुरुस्त आए, आप सबकी अकल ठिकाने पर आ गई और मेरा मिशन भी सक्सेसफुल हो गया। और सोनम के इस कारनामे के कारण वो चारों पूरी तरह से सुधर जाते हैं और फिर सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।